मेरा नाम मधु है और मेरे पे अटैक हुआ था 1997 में, क्योंकि मेरी FIR दर्ज नहीं हो पाई थी, मेरे घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो एक मेरे घर दिल में ये लग रहा था कि पता नहीं मेरी FIR होगी या नहीं होगी, अभी तक कुछ नहीं हो पाया था। गुड मॉर्निंग जिगर के चलो, कैसे हो? तो अभी अपन खाएंगे बेड़ई, मैं हूँ आगरा में और आकाश भाई खा रहे हैं बेड़ई और मम्मी भी बेड़ई खा रही हूँ। बेड़ई क्या भाई, यहाँ की यूपी की बहुत बढ़िया फेमस डिश है। बेड़ई क्या होती है, पूड़ी और आलू की सब्जी को बेड़ई बोलते हैं। बेड़ई है, पूड़ी अलग है। अच्छा पूड़ी अलग है, क्या कचौड़ी बोलूँ फिर? ये कचौड़ी और पूड़ी की बहन है। तो ये भी अपनी बेड़ई खाते है। हाँ जी हेलो, फुटेज खा रहे हैं, चाचा पे गया है ना। तो भाई ये देखो मखाने वखाने भी डाले इसमें बेड़ई में। तो गाइज अभी अपन चल रहे हैं जो एक आगरा में एक ऐसा कैफे है जो बहुत यूनिक है और आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, और किसी को नहीं पता उस बारे में, ना मेरे को पता था, बट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। एक्चुअली क्या है, मैंने क्राइम तक देखा था, उसमें एक स्टोरी कवर करी गई थी कि भाई एसिड विक्टिम का एक वो चलाते हैं कैफे, और वहाँ पे ना मतलब कमिश्नर साहब या कोई गए थे बड़े पोजीशन के, वहाँ गए और ऑलमोस्ट ना मतलब सबकी स्टोरी, वहाँ जितने भी विक्टिम से काम कर रहे हैं सबकी स्टोरी सॉल्व है, बट दो वहाँ ऐसी लेडीज थी जिनकी स्टोरी सॉल्व ही नहीं थी। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने वो सुनी और फिर उन जो गिल्टी थे या जो भी थे उनको पकड़ के लाए, और वो स्टोरी पूरी क्राइम तक में रिकॉर्ड हुई थी। आप बोलोगे तो स्टोरी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो उस चीज़ से मेरे को पता लगा भाई ऐसे कैफे कोई रन होता है आगरा में, तो मैं आगरा में था तो मैंने कहा चलो मेरे को भी दिखाना चाहिए कैफे, और उस चीज के बारे में आपको भी बताना चाहिए। तो अभी अपन जा रहे हैं वहीं। होंगे सारे चले भाई, का है मत, चलो यार आ जाओ बहन जी। ये आ गई, ये मेरी मम्मी है, उनकी पीछे बहन है, एक बारी शक्ल दिखाना। हाँ ये देखो दोनों सेम सी है, दोनों बहन सेम सी लग रही है। तो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी भी जा रही है, अपनी दो गाड़ी, एक ये जा रही है एक थार जा रही है। आगरा में भाई टीट्रोन भी चल रही है भाई, मैं तो दिल खुश हो गया। आगरा में भाई काफी अमीर लोग रहते हैं, दिल्ली को पछाड़ दिया मैंने, दिल्ली में नहीं देखी आज तक इतनी भीड़ लगती है आगरा में, मेरे को पता नहीं था इतनी भीड़ भी होती है आगरा में। ये लाइन भाई कब से भरी हुई है, ये देखो पीछे तक जाम ही जाम है भाई, हर बंदे पे गाड़ी आ गया ना आजकल इसलिए। तो भाई ये जा रहा है, आ भाई साहब, भाई साहब तो भाई कूड़ा उठाते जा रहे हो क्या? क्या बात है भाई, क्या साइकिल बना रखी है, भारत माता की है, भारत माता की जय। मेरा पहला टारगेट है कि मैं जिस तरीके से इस स्वच्छता मिशन को चला रहा हूँ आगरा में, काफी समय से चला रहा हूँ, तो मेरा एक देश के प्रति ये भाव है कि मैं देश के लिए या जो भी हो, तिरंगा तो मेरा देश की शान का ही है। अच्छा, तो अपना भाव मैंने प्रकट किया है। अच्छा, कि मैं किस तरह का काम कर सकता हूँ अपने देश के लिए। अच्छा, तो ये अकेले कर रहे हो और भी साथी हैं? मैं अकेला ही हूँ सर। अकेला तो अचानक से मतलब पहले कोई जॉब करते थे? नहीं सर, मैं क्या है, मैं सर 2016-17 से कर रहा हूँ। अच्छा यही, और इसके अलावा मैं लोडिंग टेम्पू चलाता हूँ। अच्छा अकेले ही? अकेले ही। तो ऐसा अचानक ये शौक आया कैसे सर? एक्चुअली क्या है सर, ये है, ये है कि मैं पहले जो मैचेस होते हैं क्रिकेट मैचेस, उनकी कमेंट्री करता था। अच्छा अच्छा, आगरा शहर में तो बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे क्रिकेट के, तो सर देश के प्रति थोड़ा भाव तो शुरू से ही था, लेकिन वो अब ऐसे मैंने जरिए से उसको प्रकट किया है। इससे तो क्या है कि जो गाँव में या पब्लिक में देश के प्रति थोड़ा भाव बढ़े। जो एक अकेले 4-5 साल से डेली कर रहे हो? हाँ, एक दो दिन कभी जब काम होता है वो काम भी करता हूँ और इसे भी करता हूँ। तो घर वाले कुछ बोलते नहीं? घर वाले कुछ नहीं कहते, घर वालों का पूरा सपोर्ट। अच्छा सपोर्ट है। हाँ, क्या बात है, तो इन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई अकेले ही उठाते हैं, तो गवर्नमेंट वर्नमेंट ने देखा कुछ, किसी ने कुछ बोला? सर मेरा ये किसी से मतलब नहीं है कि नगर निगम या गवर्नमेंट कुछ देखे। हाँ, ऐसा कोई मेरा कुछ मोटिव नहीं है। क्या बात है, देशभक्ति की भाव है। कुछ सब्सक्राइबर मिले जिगर के चल रहे। हाँ भाई देख रहे हो व्लॉग्स, चलाते रहना ऐसे ही, ठीक है भाई? ओके, अभी अपन आ गए हैं यहाँ कैफे पे, ये है कैफे। तो भाई ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड्स ओनली कैफे रन बाय द एसिड अटैक सर्वाइवर।
गाइज अभी अपन आ गए हैं शीरोज में। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये एक कैफे है जो एनजीओ के पैसों से चलता है और अंदर जितना भी खाना आप ऑर्डर करोगे सब फ्री है। मतलब जो आप देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपसे पैसे यहाँ मांगे ही नहीं जाएंगे, आप चाहे कुछ भी ऑर्डर करो। तो अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये है कुछ ऐसा शीरोज भाई, बढ़िया लग रहा है। देख रहे हो कितनी साफ सफाई है। तो भाई सारे बैठे, अपन ने ऑर्डर कर दिया। तो इनका मेन्यू जो खास बात है भाई, इनमें रेट ही नहीं लिखे, ये देखो। वही तो कह रहा हूँ, फ्री है, मतलब जो देना चाहो दे सकते हो। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। देखो कॉफ़ी आ गई अपनी, मैडम जी लाई हैं। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल फॉर टू मंथ्स। थैंक यू। तो यहाँ पे भाई एक छोटी फैमिली भी है हमारी, मौसी की। तो भाई खाया कुछ आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो मैं खा के रिव्यू करता हूँ यार। नाइस, टेस्टी है। कॉफी भी अच्छी, बढ़िया है। क्या बढ़िया लगा। अच्छा मैडम एक चीज़ बताओ, मैंने आज तक पे जो देखी थी वो क्राइम तक में स्टोरी कवर करी थी, वो दो लेडीज की, वो अभी हैं? एक तो है, एक छुट्टी पे है। अच्छा कौन है वो, मैं देखना चाहता हूँ उन्हें। तो ये थी जिनकी मैंने स्टोरी देखी थी, मतलब या तो आप ही की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ओके अच्छा सही है। तो भाई कितने खुश हैं यहाँ लोग, मैं अच्छा लगता है। मैं हेलो गाइस, आप सभी को पता है पास्ता कितना फेवरेट है मेरा। पास्ता लेते हैं, पास्ता खाते खाते गाना सुनेंगे। गाना कौन सुना रहा है भाई? नगमा जी, इनकी बेहतरीन आवाज में सुनेंगे अपन गाना। बहुत बढ़िया म्यूजिक। तो भाई आओ यहाँ पे गाना, इनसे गाना जरूर गपाना पड़ेगा। तो अभी गाइस इनके किचन दिखाता हूँ मैं, कहाँ पे बनाते हैं ये लोग। गीता जी चाय बना रही है। गीता जी अच्छा, इलायची। आप यूपी की भाषा बोलती हो ना, यूपी की भाषा जैसी आपकी, आप यूपी की हो? मेरी नानी की सेम भाषा ऐसी है। मेरे को नानी की याद आ गई मेरी अपनी, इनको देख के। अच्छा अच्छा फतेहपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसी है भाषा वैसी रही है भाई। ये किचन एकदम साफ सुथरा रखते हैं, तो बढ़िया अच्छा लगा मेरे को किचन में आके। भाई ये जो बंदे जो हैरी पॉटर में, नाम मेरे को पता नहीं, ये यहाँ पे विजिट करा भाई इन्होंने, गजब। तो और कौन कौन आ रखा है यहाँ पे? ये वाला सही था, ये वाला सही था भाई, सही भाई, ये खतरनाक था भाई। तो मम्मी पूरी स्टोरी सुना रही है कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। डॉलर को देख कर खुश हो रहा है। अच्छा अगली बार डॉलर को लाएंगे मम्मी, अगली बार डॉलर को लाएंगे। अच्छा इससे जो दादा बिल्ली लात मारी थी, मार दी डॉलर के अंदर। जो ये इससे बोलो वही करता है। बिल्ली लात मार रही है मम्मी डॉलर को। हाँ डॉलर को तो बेचारे को बंदर भी चाटा मारना था, बिल्ली भी चाटा मार रहा है। बिल्ली से भी छोटा डॉग है बेचारा। हर दिन ऐसे जियो जैसा कि आप तेरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रणवीर सिंह भी आया क्या यहाँ पे? यहाँ नहीं आए, लखनऊ वाले कैफे में आए हैं। हैं? हाँ। गजब। मूवी नहीं बनी थी छपाक? हाँ। तो इनका दीपिका जी का बर्थडे था तो वो हमारे कैफे में आए थे वहाँ पर। अच्छा दीपिका जी को गिफ्ट करने आए, मतलब सरप्राइज करने? हाँ। तो भाई यहाँ पे सब ने अपना फीडबैक दिया है। अब तुम्हारा वारुजून भी देगा यहाँ पे फीडबैक कि क्या लिखे। रुको भाई, अपन ने लिखा है पॉजिटिव प्लेस, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ से। और तुम्हारे भाई का सिग्नेचर यहाँ पे स्टॉप एसिड अटैक के बगल में, अगर कभी आओ तो यहाँ पे फीडबैक जरूर देना, और तुम्हारे भाई का भी फीडबैक यह है यहाँ पे। तो भाई अपन एक पेंटिंग ले रहे हैं जो शीरोज का काइंड ऑफ अ लोगो है, इसको मैं अपने घर में लगाऊंगा, अपने रूम में। दिखाना मैडम ये कितना सुंदर है भाई। तो अभी हम इसको ले जा रहे हैं और अपने घर में लगाएंगे,
और हमारी एक टी शर्ट भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा, अगर हाँ अगर आपको इनकी कोई भी मर्च खरीदनी है, इनकी कोई भी हेल्प करनी है तो आप हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे करना है मैडम ये तो बताओ। जैसे कि हमारी ये टी शर्ट है सीरोज की और ये बैज है स्टॉक एसिड अटैक। खरीदेंगे कहाँ से? हमारे यहाँ सीरोज है कैफे से। कैफे से मिलेगी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी? ऑनलाइन नहीं मिलती है। नहीं मिलती? तो भाई सीरोज आओ यहाँ पे, जो भी आप हेल्प कर सकते हो करो इनकी। भाई मैं तो यही बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरा नाम आशीष है और मैं इस जो इनिशिएटिव है इसका को फाउंडर हूँ और हम लोग एक छांव फाउंडेशन रन करते हैं जिसका उद्देश्य है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट करना, चाहे उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन हो, और उनको तैयार करना कि अपना जीवन वो आसानी से जी सकें। शुरुआत हुई थी एक अभियान की जिसका नाम था स्टॉप एसिड अटैक, जिसका उद्देश्य ये था कि देश भर में इस विषय को हमें मुद्दा बनाना था, क्योंकि 2013 के पहले इट इज़ नॉट अ कैटेगराइज क्राइम इन आईपीसी, ये कैटेगराइज क्राइम नहीं था। तो 2013 के पहले कोई आंकड़ा, कोई डेटा, कोई लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा भारत में कितने एसिड अटैक के केस होते हैं या होते रहे थे। तो 13 के बाद ये कैटेगराइज हुआ, इसको आईपीसी में दर्ज किया जाने लगा। फिर 13 में ही सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि रिटेल में एसिड ना मिले, जब भी मिलता है आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कहीं एसिड मिल रहा है तो क्या वाकई में वो आईडी प्रूफ ले रहा है या उस चीज़ का वो रिकॉर्ड रख रहा है दुकानदार, या उसके पास लाइसेंस है पॉइजन एक्ट 1919 के तहत। तो इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आसानी से मार्केट में खुलेआम बिकता है, कोई भी खरीद सकता है, किसी के ऊपर फेंक सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से, डायरेक्शन की वजह से ये चीज़ें हमारे सामने आई और कंपलसेशन की पॉलिसी आई कि कभी किस तरह की कोई घटना होती है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को 3,00,000 रुपये इमीडिएट कंपलसेशन मिलना चाहिए मिनिमम जो है, और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसके बावजूद भी, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी अटैक होने के बाद, मतलब घटना होने के बाद, तेजाब किसी लड़की पर पड़ जाने के बाद, समाज में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अपना जीवन कैसे जिए, कैसे सीखे, कैसे समझे, कैसे आगे बढ़े। समाज के अंदर एक स्टिग्मा था सर्वाइवर्स को लेकर कि वो उसके ऊपर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। सोसाइटी भी लड़की को ही विक्टिमाइज करती है, क्योंकि व्यवस्था समाज, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं, स्त्रियों को उतना स्पेस नहीं है। अलग बात है कि कई घरों में, कई जगहों में स्त्रियों को मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है, मगर जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से जो फैमिलीज आती हैं, जो माहौल है, वहाँ पर महिलाओं को वो स्तर नहीं दिया जाता है। तो हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग मिलके क्या कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया, पहले तो उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है। तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम क्यों ना एक रेस्टोरेंट कैफ़े खोलें जहाँ पर वो लड़कियाँ अपनी बात रख सकें, उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्हें पैसा मिल सके, उनको सैलरी मिल सके, वो अपना जीवन जी सकें, उनके अंदर आत्मविश्वास आ सके और वो सीख सकें। क्योंकि घटना हो जाने से, किसी के चाकू या बंदूक से गोली लग जाने से उसका जीवन नहीं समाप्त होता है, उसके अंदर प्राण है, बस उसे इसके अंदर जीने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो वो शीरोज के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं लड़कियों के अंदर वो इच्छा शक्ति बने और वो अपने सपने जो उन्होंने देखे हैं उन्हें वो पूरे करें। तो ये एक छोटा इनिशिएटिव है, हमने 5 लड़कियों के साथ शुरू किया था 2014 में। आज हमारे 3 जगह रेस्टोरेंट कैफ़े हैं, आगरा, लखनऊ और नोएडा में, जो 30-32 लड़कियाँ जो जॉब करती हैं यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाती हैं, और 100+ सर्वाइवर्स का नेटवर्क है हमारा अक्रॉस इंडिया। 100+ है तो हमारे नेटवर्क है, बाकी तो सर्वाइवर्स तो बहुत सारे जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। अच्छा, कोई आपसे जुड़ना चाहता हो तो कैसे जुड़ेगा? अगर कोई हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है शीरोज हैंगआउट के नाम से, स्टॉप एसिड अटैक के नाम से, अब वहाँ पर हमें पिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में भी डाल दूंगा इस लिंक, तो आप में से कोई भी लगता है कोई सर्वाइवर आपके आसपास है तो आप हमें बता सकते हैं, और हमसे जो संभव मदद होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम जरूर उस तक करेंगे। अगर उसे शीरोज में जॉब की ज़रूरत है, जॉब करना चाहती है, तो उसका यहाँ भी स्वागत है। तो एक पहल है, छोटी सी नन्ही सी पहल है और एक सकारात्मक पहल है। हम इस पहल से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भी अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा परफॉर्म करने का, तो ही तो परफॉर्म करेगा। अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे परफॉर्म करेगा? तो बस ये इनिशिएटिव है। तो बहुत अच्छा लगा सर, अरे मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने बिल्कुल सही बोला यार, हमें आसान सा लगता है सुनना, बट जिसको जो बीतती है ना भाई, वो भाई क्या बोलूँ मैं। बट फिर भी यहाँ आपने देखा व्लॉग में कितने खुश है यहाँ पे सारे लोग। तो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा,
और एक हाथ से मिलाते भी आपको। अच्छा गाइस इसी के साथ अपन वाइन कोई ना अच्छा गाइस इसी के साथ अपन ब्लॉग वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मर्च लेनी है तो मैं तो बोलूंगा कि आप यहाँ पे आओ, शीरोज में आओ, अपने हाथ से जो इन्हें देना जो हेल्प करनी है वो करो, ठीक है। और एक लास्ट चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कोई मैसेज या कोई दिल में बात है आप पब्लिक को बताना चाहते हो तो बता सकते हो। अभी गीता जी कुछ है, मधु जी आप बोलिए, एक एक करके आएंगे ना। गीता जी प्लीज चलो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई नहीं बोलना चाहता कोई बात नहीं, अगर किसी अमन में है तो बोल सकता है, एक मतलब आपको मौका मिल रहा है। मेरा नाम मधु है और मेरे पैटर्न हुआ था 1997 में, क्योंकि मेरी FIR दर्ज नहीं हो पाई थी, मेरे घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो एक मेरे घर दिल में ये लग रहा था कि पता नहीं मेरी FIR होगी या नहीं होगी, अभी तक कुछ नहीं हो पाया था। 6 तारीख को हमारे यहाँ हम कमिश्नर सर से मिले और उन्होंने हमारी FIR दर्ज कराई, लेकिन यही है ना, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि अगर मैं भी डर के बैठ जाती और जैसी बहुत सी और लड़कियां हैं डर के बैठी होंगी कि क्राइम हो गया हम पे और हम बाहर ना निकले ना FIR दर्ज नहीं कराए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर निकलिए और FIR दर्ज कराइए और हर दिक्कतों का सामना करिए, फेस करिए भाई, दुनिया को समझ रहे हो। तो बहुत अच्छा मैसेज था, वेरी गुड। आप कुछ देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जैसे कि अभी मधु आंटी ने बोला कि इनका 20 साल से बात हुआ है, तो अगर ये इतना दौड़ धूप नहीं करती, इतना परेशान नहीं होती, तो शायद और हमारी सरकार ने भी हेल्प किया, तो इतना हेल्प किया तो थोड़ा सा और हम हमारी सरकार से बोलेंगे थोड़ा सा और हेल्प करें प्लीज। मतलब जैसे कि किस टाइप की हेल्प चाहिए आपको, ये जो 10 साल की सजा है ये बहुत कम है, और इस 10 साल के बीच में भी जो अटैकर होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मेरे और अंशुल बहुत सी ऐसे छोड़ है, उनको छोड़ दिया गया है उनके सजा से पहले। तो प्लीज ये इस पे मतलब थोड़ा कार्रवाई करें और मतलब सजा कड़ी से कड़ी करें भाई, ये तो बात बिल्कुल सही बोली। अटैकर को दोबारा मौका ना दें कि किसी दूसरे के ऊपर ऐसी चीजें करें, बहुत सही चीज बोली इन्होंने। मैम आप कुछ, जैसे नगमा जी ने बोले ऐसे अटका हमारे ऊपर, मतलब स्वस्थ है कि लोगों ऐसे अटक कर ले, लेकिन ऐसा करना गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए कि आगे क्योंकि हमारा भी बेटी बेटा जो भी होगा वो भी उनको सिखाना है कि किसी का ऊपर एसिड अटैक नहीं करना है, और ऐसे जो एसिड जो खुला खुला बिकते हैं ये बंद करना है। अब जितने भी लोग देखेंगे तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए और एसिड स्टॉप करके रखना है, और जिधर भी आपको पता चलेगा कि एसिड इधर मिलता है लेकिन उधर हमको मतलब पुलिस को जो भी है आपको तुरंत खबर देना कि ये बंद करना है। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ, दिल्ली में केस है, कितने कानूनी ने सजा नहीं मिली, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो क्राइम करते हैं लड़कियों पे, लेडीजन पे, कि कम से कम मेरा तो मन में जी आते सोचे कि दोनों पैर और दोनों हाथ काट के छोड़ने चाहिए, और फांसी भी देनी चाहिए, फांसी तो 1 मिनट में 2 मिनट में 10 मिनट में जान चली जाएगी, सामने वालों और जेंट्स देखे कि जिसकी जी हालत है इसने ऐसा कहा गलत काम गई हो तो वो भी कड़वे तो डरे, चाहती है ऐसी कड़ी से कड़ी दोनों पैर कैसे खावे, ना हाथ हो ना पैर हो, ऐसी सजा जो मेरी आवाज सुनवा कर मेरे तो मन में यही आकर इन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए, मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए, वो ऐसे घुट घुट के जिंदगी जीनी चाहिए। सही सही सही, अभी क्राम नहीं रुक रहे। चलो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ लेडीज भाई, मतलब क्या ही बोलूं, मजा आ गया। अभी अपन अपना वो पैक हो रहा है, ठीक है, अब घर जाके लगाएंगे अपन उसको। सही है सही है, हाँ ढोलक भी लगता है क्या? अच्छा जी आएंगे, हाँ समझ गए, जाने का टाइम। चलो कभी आएंगे, दिन में आएंगे, कभी आओ तो भाई बताना जरूर, रोज उनकी वीडियो देख के इन्हें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम, ये क्या चीज है मैम? अच्छा अच्छा रिसिप्ट है, ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई ये था शीरोज का एक्सपीरियंस, भाई मेरा मूड इतना ऑफ हो गया ना लिटरली गाइस, आप सोच रहे होगे कि भाई आपने स्टोरी क्यों नहीं बताई, एक चीज़ नोटिस करना, मैंने किसी से स्टोरी नहीं पूछी, उन्होंने अपने आप बता दी तो बता दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को डिस्टर्ब करूँ। और मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आप कभी आते हो ना तो इनसे कभी स्टोरी मत पूछना, क्योंकि आदमी क्या है फ्लैशबैक में चले जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता, किसी को दुखी करने थोड़ी आया अपन, है कि नहीं, अपने एंजॉय करने आया, पॉजिटिविटी फैलाने आया। तो मेरा लिटरली गाइस जब वो एक एक लेडीज जब स्टोरी बता रही, मेरा मतलब
आंसू ऐसे आ रहे थे, दिख भी नहीं रहे थे, वो मैं फील कर रहा था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी है बट हम फिर भी नुक्स निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये वो। एक छोटी सी गाड़ी नहीं मिली, फ़ोन नहीं मिला तो हम अपसेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ज़िंदगी में। कभी आओ इस जगह आओ, अगर आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी है ना, लोग लड़कियों में, इतनी लड़कियों से मिलता हूँ नशे काटते हैं, भाई मेरा बंदा मेरे को छोड़ गया, ये नाम लिखवा रही, टैटू लिखवा रही, डिप्रेशन में चली आती है। जितनी भी लड़कियाँ ये ब्लॉग्स देख रही हैं ना, कभी यहाँ आओ, इस प्लेस आओ, इनके दुख दर्द देखो, आप सब भूल जाओगे भाई, ठीक है। तो मेरा मूड लिटरली नहीं कर रहा अभी व्लॉग करने का, तो मैं गाइस ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, बस शेयर ज़रूर कर देना हर लड़की के साथ, या जो आपको लगता है ना, जो बंदा डिप्रेशन में अपने पेरेंट्स के साथ, शेयर करो ताकि उनको थोड़ा पॉजिटिविटी फील हो। लव यू, बाय।